बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पर सरगुजा पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत जिले की पुलिस अवैध नशे के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रही है। वहीं पुलिस नशा मुक्ति के लिए स्कूलों और कॉलेजों में छात्र छात्राओं के साथ उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम भी किया है, और इसी के तहत पुलिस अंबिकापुर के मणिपुर स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां स्कूली छात्रों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही स्कूल के छात्र छात्राओं को जानकारी भी दी गई है, उनके आसपास या परिवार में यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नशे का आदि हो तो सरगुजा पुलिस को नशा छुड़वाने के लिए उस व्यक्ति को परामर्श देगा, साथ ही नशा मुक्ति केंद्र भेजकर नशे से छुटकारा भी दिलाएगा। जा रहा था टकरा के, अब लड़कियां तो पीटी पाती हैं, अब लड़कियां तो पीटी पाती हैं नहीं आजकल। हालांकि 1% 100 में 1% लोग वैसे भी आ रहे हैं, लेकिन लड़के ज़्यादा हमारे टारगेटेड ग्रुप लड़के होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि आप देखेंगे समाज में ना अपराध का 80% कारण केवल होता है नशा। पुलिस इसलिए इस अभियान को शुरू की है, हमने हमारे साथ गायत्री परिवार ब्रह्मा कुमारी और जो NGO संगठन है समाज कल्याण विभाग, इन सबको जोड़ा है। वो इसलिए जोड़ा है क्योंकि आप एक तो समाज के एक वो अंग है, वो बताएंगे और कैसे नशे को दूर करना है उसमें वो सहयोग करते हैं। साथ ही पुलिस डेली देखती है कोई अपराध हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है तो नशे में था इसलिए रोड में जा रहा था टकरा। सरगुजा पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ नवाभियान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लगातार अवैध नशे के कारोबार पर कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक भी कर रहे हैं। इसी क्रम में मणिपुर चौकी अंतर्गत जो हाई स्कूल है वहाँ पर आज हम गए थे, उपस्थित हुए थे, जहाँ पर हमारे नवाभियान की पूरी टीम जिसमें गायत्री परिवार ब्रह्म कुमारी